हे गाइस, आई एम दीप्ति। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है एंड मैंने शावर वगैरह ले लिया है और मैं अभी जाके करूँगी अपने छोटे मोटे से काम जो मुझे करने होते हैं। बाकी तो मुझे कोई काम ऐसा होता नहीं सचेस यहाँ पे। तो हवा बहुत अच्छी चल रही है आज यहाँ पे एंड कैसे हैं आप सब लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अभी मैंने ब्लॉग को किया है स्टार्ट एंड गाइज, अगर मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए गाइज, मिलते हैं थोड़ी देर में। पहले कर लेती हूँ अपने काम छोटे मोटे से जो सारे हैं एंड फिर आप लोगों से करती हूँ बातें। ओके, साथ साथ में बातें करती जाऊंगी। ऐसे करूंगी तो मैं बाकी कुछ दिखा नहीं पाऊंगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नाश्ता कर लो। ये हमें बुलाने आई है नाश्ता करने के लिए, तो अभी मैं जा रही हूँ, करूंगी जाके नाश्ता एंड फिर मिलती हूँ गाइस थोड़ी देर में। हेलो बोल दो। हेलो। हेलो। इसमें कुछ नहीं ऐड करा है, बस बेसन है इसका डो बनाया है, इसमें पानी डाल के बस इसको गूंथा है एंड उसके बाद। तो गाइस यहाँ पे कढ़ाई रख दी है तेल गरम होने के लिए एंड इसमें तेल गरम हो गया है। यहाँ पे भाभी चेक कर रही है कि यहाँ पे तेल गरम हुआ है नहीं, थोड़ा सा डाल के देखा तो जब ये तेल गरम हो गया है तो इसमें जो ये सेब बनाने की मशीन होती है उसमें ये बेसन भर के और उसको बाद उसको बनाना है। इसके जो चार बनती है, जो सेब बनते हैं वो बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे से भूनना, बहुत ज़्यादा खरा इसको नहीं भूनना होता है, हल्का सा मतलब भूनना है इसको, भूनना है बहुत रेड वाला नहीं भूनना है, ठीक है? तो इस तरह से भूना जाता है। तो यहाँ पे दोनों भाभियाँ बना रही थी और एक लोग बना डाल रहे थे उसमें, एक लोग निकाल रही थी और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनना होता है। तो हम लोग चूल्हा ये लोग ऊपर चला के बैठते हैं जाके, क्योंकि गैस पे इतना गर्मी में ना प्रॉब्लम भी होती है और ऊपर जाके हवा भी लगती, खुले में बनाने में का मज़ा और काफ़ी लोग हैं तो काफ़ी क्वांटिटी में ये सब चीज़ें बनानी पड़ती हैं। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली तो काफ़ी लोग हैं घर में। तो गाइज़ यहाँ पर वही बनाए जा रहे हैं एंड इसको सबको बना के पहले एक साथ रख लेंगे, उसके बाद फिर इसके लिए प्रिपेयर की जाएगी चाशनी वगैरह। तो गाइज़ चलिए पहले बना लेते हैं यहाँ पे सेब को और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए कितने सारे बनके तैयार हुए हैं। काफ़ी बड़ा तसला था, इसमें सारे ये ऊपर तक भरे हुए रखे हैं। फिर इसके बाद अब रेडी करेंगे चाशनी। तो चाशनी रेडी करने के लिए यहाँ पे कढ़ाई को रख दिया है एंड ये वही कढ़ाई है जिसमें ये लोग सेक रहे थे, मतलब जिसमें हमारे यहाँ वो सेब बनाए गए थे उसी कढ़ाई में तेल बस निकाल के, क्योंकि तेल भी कोई मतलब जो जिसमें सेका जा रहा था वो अच्छा था तो इसमें थोड़ा सा वो भी चला जाएगा, उसका भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। उसके बाद जब पानी गर्म हो गया है तो इसमें ये गुड़ के बन रहे हैं लड्डू, तो इसमें ऐड कर दिया है गुड़। गुड़ भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी क्वान्टिटी में ऐड किया गया है, क्योंकि सेब भी बहुत थे। तो इस गुड़ की बनाई जाएगी पहले चाशनी। तो यहाँ पे चाशनी बन रही है साइड में, यहाँ पे तब तक हम लोग चूल्हा जल रहा था तो इसी पे भुट्टा भूनने लगे थे। तो यहाँ पे मम्मी बैठ के भून रही हैं भुट्टे और सब लोग ऊपर ही थे, तो बहुत मज़ा आता है ऐसे मतलब बैठ के साथ में खाने में। अकेले खाने का मज़ा, साथ में खाने का मज़ा ही अलग होता है, अकेले में वो मज़ा नहीं आता जो सबके साथ में होता है। तो गाइस आप देख सकते हैं जो ये सेब बना के रखे थे ना, फिर इनको क्रश कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा इनको तोड़ेंगे ऐसे, बहुत बड़े बड़े तो इनके लड्डू बन नहीं सकते इसलिए इनको पहले तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं और भाभी फिर तोड़ रहे थे इसको, मैंने सोचा मैं थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ फिर तोड़वाती हूँ साथ में। तो मैंने भाभी ने यहाँ पे फिर तोड़े हैं, उसके बाद ये देख सकते हैं चाशनी बन के तैयार होगी। और इसकी चाशनी सेम जैसे लड्डू बनाने के लिए मतलब होती है ना, थोड़ी सी चिपकने लगती वैसे ही बनाई जाती है। और यहाँ पे जब बन गई है तो जो लड्डू बन को रखे थे सेब बने उसमें पलट दिया जाएगा और थोड़ा कम करके डाला जाएगा, क्योंकि पता नहीं ज़्यादा ना हो जाए इसलिए, क्योंकि लड्डू बनने लगे फिर इनको अच्छे से धीरे धीरे करके डाला जाएगा और उसमें धीरे धीरे करके इसको चलाते जाएंगे। और चाशनी वैसे जब ठंडी होती जाती है ना तो काफ़ी अच्छा मतलब वो थिक होती जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो ये सेब है इनमें पकड़ लेती है एंड
फिर इनको अच्छे से चलाना ताकि इक्वली इवनली ये सब में मिक्स हो जाए। ये चाशनी बना के रखी हुई है तो सबसे पहले इस चाशनी को अच्छे से मिक्स करेंगे और जो बची हुई चाशनी है ना उसको भी डाल देंगे, बस थोड़ा धीरे धीरे करके डालेंगे ताकि ज़्यादा ना हो जाए एक साथ में। एंड यहाँ पे अच्छे से पहले मिक्स किया जा रहा है, उसके बाद जब मिक्स हो जाएंगे फिर इसके बनाए जाएंगे लड्डू। तो चलिए गाइस, पहले यहाँ पे चाशनी अभी हो रही है मिक्स एंड उसके बाद बनाएंगे लड्डू, फिर आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पे चाशनी काफ़ी अच्छे से होने लगी, चिपक रही है, मतलब देख सकते हैं आप ऊपर काफ़ी गुड़ समझ में आने लगा है। और इसके बाद यहाँ पे बना के रेडी कर लेंगे लड्डू। तो गाइस यहाँ पे लड्डू बना लिए और इसमें साथ में बनवा दी थी इसलिए मैंने यहाँ पे कैमरा नहीं पकड़ पाया था। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लड्डू यहाँ पे बनके तैयार हो गए सेब वाले, और मुझे तो बहुत पसंद है इसलिए, और मेरा तो ये फेवरेट है, मतलब मुझे गुड़ वाले लड्डू ये बहुत पसंद है, मुझे गुड़ वैसे ही अच्छा लगता है तो मैं लड्डू बेस के बहुत पसंद है। एंड गाइज ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जो मेरे साथ न्यू मेम्बर्स हमारे जुड़ रहे हैं तो स्पेशली तो ये राठौर जी मतलब हमारे हस्बैंड, और हम लोग ये जब हम यहाँ आए थे उससे पहले का है ये वीडियो, तो ये हमारे साथ में नहीं है बट उससे पहले का है। तो हम लोग बाहर थे तो बाहर फास्ट फूड मतलब कुछ खा रहे थे, आई थिंक चिल्ली पटेटो है वो खा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और ये हमारी मम्मी है मतलब मदर इन लॉ। तो मैंने सोचा मुझे मतलब क्यों ना बहुत टाइम हो गया इन लोग साथ में लेके नहीं आई हूँ, तो मैंने सोचा मैं शेयर कर देती हूँ थोड़ी सी मेमोरीज़। और ये हमारी पूरी फैमिली है, छोटा सा परिवार, इतना बड़े हम इतने ही लोग हैं हम लोग। एंड ये दादू एंड आरुष दोनों लोग खेल रहे हैं पार्क में, और इनका शाम का फिक्स होता था वहाँ पे थे तो ये घूमने जाते हैं दादू के साथ में, और यहाँ पे टेंपल में आए हुए हैं घूमने के लिए। और इनको टेंपल भी, आरुष डेली टेंपल जाता था वहाँ पे था, बगैर मंदिर जाए वो रहता नहीं, मतलब खेलने जाता सबसे पहले मंदिर में दर्शन करना देन उसके बाद खेलता था। तो गाइस यहाँ पे ये शाम का टाइम है और यहाँ पे बनाए जा रहे हैं ये दाल के, जो मूंग दाल के मंगौड़े होते हैं ना वो बन रहे हैं, और इसके साथ में चाय। तो मूंग दाल के मंगौड़े बनाने के लिए इसमें तो प्याज, हरी मिर्च, धनिया एंड थोड़ा सा हींग वगैरह डाल के इनको बनाया जाता है, तो ये बनाए जाएंगे। तो ये शाम के नाश्ते में बन रहे हैं, और गाइस चलिए पहले इनको खाएंगे, एंजॉय करेंगे, फिर आप लोगों से करेंगे बातें। और आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा, स्पेशली लड्डू की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लड्डू बनते हैं, घर के हाथ के बने लड्डू का टेस्ट ही अलग होता है, मार्केट में ऐसे मिलते नहीं हैं, क्योंकि मार्केट में मिलते भी होंगे आई थिंक उनका टेस्ट बहुत गंदा होता होगा, तो ऐसा नहीं है। और जो घर के होते हैं, मुझे मम्मी के हाथ के ऐसे लड्डू बने बहुत पसंद है, तो वही मम्मी ने बनाए हैं इसीलिए। एंड गाइज यहाँ पर ये बन रहे हैं शाम के लिए मंगौड़े, और पहले ये खाएंगे उसके बाद गाइज मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। गाइज गुड इवनिंग अगेन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, आई होप गाइज आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने सोचा अपने ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, सुबह से मैं कर रही थी तो अभी शाम का टाइम है, तो मैंने सोचा इस ब्लॉग का मैं साथ साथ में एंड भी कर देती हूँ, तो थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ ब्लॉग का एंड करूँगी। तो गाइज सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स को, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं दिल से, उनका सबसे दिल से शुक्रिया। एंड जो गाइज मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत कीजिए, चीट मत कीजिए, ये आप सब्सक्राइब मत कीजिए। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हर वीडियो में लगभग बोल रही हूँ, अभी मैं हर वीक आके ये चीज़ बोल रही हूँ कि अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो परमानेंट कीजिए, अदरवाइज नहीं करना है तो मत कीजिए, कोई फर्क नहीं, कोई इशू नहीं है। मुझे जो मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे सच में दिल से प्यार करेंगे वो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, जिनको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो वो मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और गाइज बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ इसलिए आप ऐसा मत किया करिए। एंड गाइज मैं इस वीडियो में एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, मेरा दूसरा चैनल है दीप्ति स्टडी सर्कल करके, जिसपे मैं टीचिंग की वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और काफ़ी हेल्पफुल होने वाले जिनके भी घर में बच्चे हैं, किड्स हैं, उन लोगों के लिए है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके उसको, अगर किसी को ज़रूरत है तो आप ज़रूर जाइए उसको वॉच कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ होने वाले हैं। एंड गाइज अगर आप सपोर्ट करेंगे तो प्लीज़ उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, बहुत मेहनत से बनाती हूँ दो चैनल को, मतलब मैनेज करना, उसके लिए वीडियोज़ अपलोड करना, प्लस इस चैनल पे अपलोड करना, बहुत मेहनत करती हूँ तब जाके बनते हैं दोनों। तो गाइज प्लीज़ गाइज आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और आप लोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, एक दिन बहुत अच्छा चलेगा, सब कुछ ठीक होगा। तो गाइज फिलहाल तो मैं आज की वीडियो का, आज के ब्लॉग का मैं करूँगी यहीं पे एंड, और मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में, एक नए ब्लॉग के साथ में कुछ नया लेके। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए, खुश रहिए, सब कुछ।